हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद आईएएस में। और दोस्तों, हम यहां पर बात करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस की परीक्षाओं के मूल्यांकन के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको पता ही होगा 18 मार्च तक जितनी परीक्षाएँ हो गई थी उनकी कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो दिनांक 20 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। रोहिलखंड विश्वविद्यालय कोरोना की वजह से बीच में ही बंद करना पड़ा था मूल्यांकन कार्य। बात करेंगे आपके प्रमोशन रिजल्ट के बारे में, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। 3 लाख कॉपियों को जांचने की परीक्षा नियंत्रक ने तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा नियंत्रक ने अपनी कॉपियों को जांचने की तैयारी शुरू कर दी है। 3 लाख कॉपियाँ हैं लगभग, जिनका मूल्यांकन 20 अगस्त से दोबारा शुरू होने जा रहा है। इसके बाद अधूरी परीक्षाओं के साथ ही मूल्यांकन कार्य भी उसी गति से चलता रहेगा। इसके साथ ही बात करें हम यहाँ पर आपके मेन एग्ज़ाम के बारे में, जो कि दिनांक 27 अगस्त से प्रस्तावित है, ये डेट यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। 27 अगस्त से जो परीक्षाएँ होनी थी वो परीक्षा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट वाले चैनल पर जानकारी दे चुका हूं, तो वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब आपकी जो मेन एग्जाम है वो 1 सितंबर से कराए जाने की घोषणा की गई है, और दोबारा से आपका जो नया परीक्षा कार्यक्रम है उसी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से दोबारा से परीक्षा कार्यक्रम आएगा, आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। इसके साथ ही आप देख सकते होंगे परीक्षाओं के साथ ही मूल्यांकन कार्य भी उसी गति से चलता रहेगा। कुलपति के इस संबंध में निर्देश के बाद परीक्षा नियंत्रक ने शिक्षकों की ड्यूटी लगाने सहित अन्य तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके प्रमोशन रिजल्ट की घोषणा बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। इसके पीछे यही एक रीज़न है कि आपकी जो परीक्षाएँ हो चुकी थी उनकी कॉपियों का अभी मूल्यांकन नहीं हो पाया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितनी परीक्षाएँ आपकी हो चुकी हैं 18 मार्च तक जो परीक्षाएँ आपकी हो गई थी उन परीक्षाओं के मार्क्स आपको आपके रिजल्ट में मिलने वाले हैं। उसके बाद ही आपका जो प्रमोशन रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे आपके प्रमोशन रिजल्ट के बारे में जानकारी आती है आपको हमारे चैनल पर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ इस तरह से बने रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।